मोटर रिव्ह्यू चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। येणाऱ्या 19 तारखेला 19 नोव्हेंबरला एक छठ पूजा, उत्तर भारतीयांच्या महिलांचं एक छठ पूजा म्हणजे जो कार्यक्रम असतो तो खूप मोठ्या प्रमाणात गेल्या 20 वर्षापासून इथे आयोजित करण्यात येत आहे। तर त्या अनुषंगाने आपण भेटणार आहोत विद्याताई गायकवाड यांना, त्या नगरसेविका, माजी नगरसेविका आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारे कार्यक्रम असणार आहे आणि काय त्यामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत, ते होऊ नये तर त्यांची काय भूमिका असेल आणि महिलांना ते कसे संबोधतील, तर आपण भेटणार आहोत विद्याताई गायकवाड यांना। ताई नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। आज आपण ज्या विषयावर इथे जमलेलो आहोत, तर खरं सांगायचं म्हटलं तर गेल्या 20 वर्षापासून या छठ पूजेचा कार्यक्रम या कलंबोलीमध्ये या तलावातच साजरा होत आहे। तर माझं एक म्हणणं आहे की प्रत्येकाने या छठ पूजेला येताना माझ्या माता भगिनी आज 2 दिवस उपवास ठेवतात, त्यांना सहकार्य करण्यासाठी आपण सारेजण इथे येत आहोत, त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी आपण सारेजण इथे येत आहोत। याच्यामध्ये राजकीय राजकारण करणं हा योग्य नाही आहे, कुठंतरी हे समजून प्रत्येकाने घेतलं पाहिजे आणि प्रत्येकाला याच्यामध्ये सहयोग करायचा असेल, त्यांना सहकार्य करायचं असेल तर प्रत्येकाने येऊन आपला सहयोग इथं दाखवायचा आहे। परंतु जर एक संस्था चालत असेल तर दुसरी संस्था स्थापन होत असेल याच कार्यक्रमासाठी, तर हे कुठंतरी मला वाटतं हे चुकीचं आहे। साऱ्या जणांनी एकत्र येऊन हा कार्यक्रमाचा चांगल्या पद्धतीने आनंद घ्यायचा आहे आणि आपल्या माता भगिनींना सहकार्य करायचं आहे। मी आज इथे एक महिला म्हणून उपस्थित राहिलं आहे की माझी महिला आज 2 दिवसाचा उपवास ठेवून आज त्यांचा करवा चौथ असताना सुद्धा त्या माता भगिनी या कार्यक्रमाला कुठं गाळबोट न लागलं पाहिजे, हा कार्यक्रम कुठंतरी वेगळ्या दिशेने नाही गेलं पाहिजे, आमच्या समाजामध्ये दुभाव नाही झाला पाहिजे, एकत्र येऊन हा कार्यक्रम आयोजित केला पाहिजे यासाठी साऱ्याजणी इथेशी आम्ही सर्वजण उपस्थित आहोत। माझी सर्वांना विनंती आहे की आपल्या कलंबोलीमध्ये प्रत्येक समाजाचा कार्यक्रम ज्या पद्धतीने सुरळीत आणि चांगल्या वृत्तीने होतो त्याच पद्धतीने छठ पूजाचा कार्यक्रम माझ्या उत्तर भारतीयांचा पण चांगल्या पद्धतीने झालं पाहिजे आणि सर्वांना निवेदन आहे की या कार्यक्रम याच पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने एकत्र येऊन आपण करूया आणि कुठंही 2 पार्ट्या किंवा 2 पक्ष किंवा कुठलाही आपल्याला इथंशी या ठिकाणी या पवित्र स्थान ठिकाणी हे काही घ्यायचं नाही, एकत्र सारं येऊन आपल्याला समाजकारण करायचं आहे, समाजासाठी आपल्याला जे काही देणं आहे ते इथं द्यायचं आहे, ज्याला योगदान द्यायचं आहे त्यांनी येऊन प्रत्येकाने आपलं योगदान द्यावा। परंतु बॅनरबाजी करून फोटो लावून आणि मी हा कार्यक्रम राबवतो हा श्रेय घेण्याचा कार्यक्रम कुणीच करू नये, प्रत्येकाने हा कार्यक्रम माझा कार्यक्रम आहे म्हणून इथं येऊन या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यायचा आहे आणि आपल्या मात्या भगिनींना सहकार्य करायचं आहे, एवढंच बोलताना थांबते। महानगरपालिकेने इथे ज्यावेळेस गेल्या 20 वर्षा कार्यक्रम चालतोय तर महानगरपालिकेने इथे छानबीन केली आहे की नाही, की कशा प्रकारे लगेच दुसरी जी नवीन संस्था आहे त्याला कसं काय परमिशन दिली, काहीतरी तुम्हाला काय वाटतं का? मला तर या आपल्या प्रश्नावर एकच सांगतोय की महानगरपालिकेने याच्यावर काय विषय घेऊन त्यांना पुढे हा कार्यक्रम राबवण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे या संदर्भातच मी आजच आयुक्त साहेबांची भेट घेणार आहे आणि त्यांना एक निवेदन देणार आहे की साहेब हा कार्यक्रम जो आहे तो या कलंबोलीमध्ये तरी कुठंतरी चांगल्या पद्धतीने झालं पाहिजे आणि याच्यासाठी जो निर्णय आपण द्याल त्या निर्णयाशी आम्ही सहमत आहोत। हायजॅक करने का प्रयास कर रहे तो उसके बारे में क्या? इसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कमेटी के जो आदमी है इसमें नीरज मिश्रा, उसने ही 2 दल बनाया और 20 साल से हमको कोई तकलीफ नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये संस्था राउत परिवार ने खड़ा किया था लेकिन हम ये नहीं कहते कि राउत परिवार ही यहाँ पे छठ पूजा उन्होंने नींव लगाई इसकी। हाँ, नींव लगाई लेकिन सब हम यहाँ पे जमा होके 3 दिन का जो हमारा महापर्व रहता है, जो पूजा रहती है, उपासना रहती है, हम पूजा भाव से यहाँ पे आके पूजा करते हैं। लेकिन जो ये नीरज मिश्रा है हमारे साथ में काम करके, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं 2 साल कोरोना में उनका देहांत होने के बाद उन्होंने यहाँ पे राजनीति चालू कर दी। पर की थी क्या कि आपका मंडल जो चल रहा है यहाँ पे करंटली, तो उनसे कुछ पूछताछ की गई है क्या? कुछ नहीं, कुछ तो डायरेक्टली परमिशन दे चुका है। जब हमारे लोग वहाँ पे गए परमिशन लेने तो उससे पहले उनको परमिशन मिल चुका है। तो आगे की पूजा पाठ करते हम जो हमारे यहाँ पे जो विद्याताई गायकवाड़ जो हमारे साथ में आई जो हमारे साथ में आज खड़े हैं यहाँ, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो हमारा साथ और यहाँ पे 2 दल ना बने, जो पुराना कमेटी है उनके साथ जैसे हम पूजा पाठ करते आए हुए हैं वो हमारा पूजा पाठ अच्छे से। पॉलिटिकल मंच नहीं होगा? नहीं,
हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे पूजा जो 20 साल से होते आ रहा है वो 20 साल हो, आगे भी हो, यही हम चाहते हैं। बहुत सालों से 20 साल गए, 20 साल से कार्यक्रम हो रहा है, तो हम यादव जी से भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये कार्यक्रम होता है और जो जेंट्स वर्ग है एक कमेटी के, उनकी मतलब महिलाओं के लिए क्या मदद होती है और क्या सहायता होती है, किस प्रकार होता है। यादव जी नमस्कार। नमस्कार, क्या बताएंगे आप इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे जो छठ पूजा के विषय पर आपने विषय रखा और यहाँ की समस्या आप जानने की प्रयास किए और आगे बढ़ा, इस समस्याएँ को आगे आपने बढ़ाएंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद के लिए दे रहा हूँ। समस्या यहाँ का ये है कि हम लोग 20 साल से ऊपर ही हो गया होगा और यहाँ काफ़ी लोगों की समस्याएं, महिलाओं की, हमारे माता बहनों की जो समस्याएं थी, यहाँ पर एक प्रोग्राम बड़ी सघन लोगों का तपस्या रहता है उपवास का, और इन लोगों ने, मैं एक सामाजिक क्षेत्र में होने के नाते मेरे पास ये लोग समस्याएं लेकर के आती थी कि हम लोग को छठ पूजा के तालाब का व्यवस्था होना चाहिए, तो मैं उस विषय पर समझ नहीं पाता था। कहीं उधर मस्जिद के बाजू में गटर जो नदी है, नाला है, उधर कहीं कुछ लोग बैठते थे, कुछ तमाम इधर उधर बैठते थे, तो अभी अपने पास समस्या आता था तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ विषय पर समझ नहीं पाता था। लेकिन हमको राउत परिवार ने सामाजिक क्षेत्र में होने के नाते मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रण किए और यहाँ पर जब हमने आया तो माताएं और बहनों जो है कि यहाँ पर बहुत तालाब की दयनीय दशा थी और यहाँ पर पानी में इनको उतरने की जगह नहीं था, कीचड़ में इन्होंने दो दो तीन तीन घंटा खड़े होकर के पूजा करते थे लोग। और हमने अब एक पॉइंट बनाया कि अगले साल क्या व्यवस्था होगा, फिर हमने प्रशासन से जो है ये समस्याएँ उनको अवगत कराया, तो जिला परिषद के कोटे से आगे सीढ़ियाँ बनी और उसके बाद हम लोग ने अपनी तरफ से सब लोगों को, मैंने राउत परिवार ने जो मुझे सहयोग दिए और लोगों को मैंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके यहाँ का लोगों के विषय पर लाइट का व्यवस्था, उनको कपड़ा बदली करने के, पानी में नहाते थे उनको कपड़ा चेंज करने के लिए, बाथरूम की समस्या और लाइटिंग का, उनको हर तरह की समस्याएँ। हम लोग उस समय क्या था, 20 साल 22 साल पहले जो यहाँ की सिटी दूध वगैरह का व्यवस्था नहीं होता था, जब यहाँ पर सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं दूध से, तो हम लोग वो भी व्यवस्था रखा कि 5 बजे कोई दुकान खुला नहीं रहता था, तो हम लोग कमेटी की तरफ से सारी व्यवस्था किया यहाँ पर देने के लिए कि ताकि यहाँ के जो भी छठ व्रतधारी हैं उनको किसी तरह का परेशानी ना हो। हर संभव हमें सभी मित्रों ने और छठ परिवार, राउत परिवार ने जो यहाँ की समस्याएँ पर उन्होंने एक विषय का चर्चा रखे और यहाँ की समस्या को बड़ा एक रूप दिए और रूप देने में स्थानीय नेताओं का मुझे योगदान मिला, जैसे हमारे इस वार्ड के नगर सेविका दीदी विद्या दीदी हैं और इनके परिवार से भाई जगदीश गायकवाड़ जी के द्वारा और तमाम सभी राजनीतिक दल को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया, राजनीति का भेदभाव को दूर किया, जात पात के भेदभाव को दूर किया और इस मुकाम पर इतना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ कि आज कुछ लोग, चंद लोग ने यहाँ राजनीति की स्वाद लेने के लिए, राजनीति के चुनाव के इलेक्शन में कुछ उनको लाभ, अपनी पब्लिक का लाभ प्राप्त हो, पब्लिक सिटी दिखा करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर दखलंदाजी कर चुके हैं। क्या आपने महानगर पालिका ने आपको कुछ सूचित किया था कि इतने सालों से आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो बाबा नई कमेटी यहाँ पे कुछ प्रावधान कर रही है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? मतलब महानगर पालिका ने तो कुछ पूछा था क्या आपको कि बाबा दूसरी कमेटी करने वाली है ये कार्यक्रम? नहीं, हमें कोई ऐसी उनको परमिशन कैसे दिया गया? उनका कहना है कि जो हमें अर्जी पहले करेगा उसको हम प्रावधान देंगे, लेकिन हमने इसमें, मैं वकील के थ्रू ऑब्जेक्शन लेटर महानगर पालिका में दे चुका हूँ और आपके सहयोग से मैं चाहता हूँ, यहाँ के आयुक्त साहब से निवेदन है कि हमारी जूनी कमेटी को मान्यता दें और यहाँ के हम सब लोग मिलकर के एक साथ होकर के एक मंच पर होकर के यहाँ की माता और बहनों को हम लोग अच्छी सुविधाएं दे सकते। तो आप ये चाहते हैं कि जो नई कमेटी स्थापित हुई है, नई संस्था स्थापित हुई है, उनको भी आप मतलब अवसर देना चाहते हैं इसमें सहयोग करने का? हमने अपने संस्था से उनको दूर नहीं किया है,
हमारा जो भी है 13 की कमेटी में 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं और उसमें 11 जो है मौजूद हैं। एक मेंबर ने इसमें हमारे संस्था से बागी होकर के नया संस्था हमारे संस्था का डुप्लीकेट संस्था बना करके सूर्य उपासना सेवा भाभी के साथ लास्ट का एक वर्ड चेंज करके अपना स्वतंत्रता को रजिस्टर करके और यहाँ की जो भी है राजनीतिक माहौल का फायदा लेने के लिए उन्होंने ऐसा चाल किया, हमारे संस्था के साथ राजीनामा नहीं और हम लोग संस्था से निकाला नहीं है और उसको लोगों के अगर उसके बलिहारी है उसको मैं देना चाहता हूँ कि लोगों के साथ मिलकर काम करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हम बिना संस्था के साथ ही हम लोग सहमति जताएंगे। हमने शुरू से हमारा स्टार्टिंग किया हुआ है विजय साहिब के मामले में सब यहाँ स्थानिक लोगों को मालूम है, तो ये है कि हमारे से क्या कमी हुआ कि हम लोग को नहीं मिल रहा है यहाँ का करने के लिए और दूसरे टीम को मिल रहा है, हमारे से क्या कमी हो रहा है मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने जब हमने यादव जी से वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि महानगर पालिका जो पहला एप्लीकेशन देगा उसको परमिशन मिला जाएगा, एक टेक्निकल पार्ट है, लेकिन मतलब मेरी महानगर पालिका से ये मतलब प्रावधान होगा मेरा कि महानगर पालिका ने देखना चाहिए कि 20 सालों से अगर कोई संस्था अच्छी तरह कायदा सुव्यवस्था को खराब न होते हुए अगर अच्छा कार्यक्रम करे तो महानगर पालिका ने उनको देना चाहिए, कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न यहाँ पे निर्माण न हो। क्या दीदी आप क्या बोलना चाहती हूँ? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ सब जन सारे जन एक साथ मिलकर ये प्रोग्राम करना चाहिए और ये प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि वो संस्था को परमिशन दो ये संस्था को परमिशन मत दो, तो ये परमिशन तो ये की आना चाहिए और ये की ओके हम लोग सारे जन मिलके इधर ये प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए। अच्छा मिलके अपने पनवेल जाके महानगर पालिका के आयुक्त साहब हैं उनको ये बात कहने वाले हैं कि जो यहाँ के स्थानिक है इधर रहने वाले आज 30-35 साल उनको हुआ इधर उनको ये उनके साथ न्याय अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ये निवेदन तो हम आज ही उनको लिखेंगे। लेकिन क्या बताएंगे कार्यक्रम पे क्या आस्था है महिलाओं की, क्या बताएंगे? महिलाओं के आस्था हम लोग जब से छठ पूजा करते आ रहे कोई रोक छेक हुआ नहीं है, अभी भी नहीं होना चाहिए, हम लोग किसी नेता को नहीं जानते पहचानते, हमारे जो नेता है हम लोग के साथ में खड़े हो, उनको यहाँ कुछ दादागिरी करने की जरूरत नहीं है, वो अपना जगह पे है पूजा पाठ अपने जगह पे है, जो भी हम लोग कर रहे हैं इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते, इसमें किसी का रोक छेक नहीं है, आप मत आइए वो मत आए सभी आए अपना सभी इसमें दान पुण्य जो करना है करिए, नहीं करना है ना करिए, इसमें किसी के माना नहीं है मत करिए। लेकिन 20 साल से जो संस्था काम कर रही है आप लोगों को कायदा सुव्यवस्था में सारी चीजों में मदद कर रही है, तो हाँ, संस्था नहीं होना चाहिए क्या, नए लोगों को प्रावधान मिलना चाहिए? नहीं नहीं नए लोग क्यों होएगा, हम लोग जो करते आ रहे हैं वो करेंगे, हम लोग सुविधा दे रहे हैं, नए लोगों ने उनके साथ जुड़ना चाहिए हाथ बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए हाँ, लेकिन ना उनके तरफ से हम लोग है नहीं, लेकिन पहले से हम लोग जो करते आ रहे हाँ अभी देता है हम लोग ये साथ देते आ रही है, हम लोग कोई रक्षक नहीं कर रही है तू लोग ये त्योहार नहीं करो ये ना करो, हाँ उनको भी आया इधर माना थोड़ी है आप मत आइए, वो भी आए आप भी आइए सभी सहयोग आए सभी आए, इसमें किसी का रोक छेक नहीं है सभी आ सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग करते आ रहे हैं करने दीजिए। चाचा जी क्या बताएंगे किस कितने सालों से आपका अनुभव है यहाँ पे क्या चलते आ रहा है और छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा देखिए सर हम लोग 20 साल चार से हम लोग कोई नहीं था किसी को इधर कराओ था गड्ढे था, इसलिए हमने एक साल पहले दौरा लेके मैंने आया था, दूसरे साल 2 आदमी आया, तीसरे साल 3 आदमी 4 आदमी आया, पंचवें साल पार्टी बढ़ते गया, पानी की व्यवस्था हम करते थे, केला की व्यवस्था हम करते थे, कन्हैया बोलता था कि चाय बना के तो पानी दो उससे पानी हम टेम्पू से गिराते थे, रोड पाली से हम पानी लाते थे, बुधवारी से रोड पाली से लाते थे टेम्पू पर पानी लेके थे, टीचर के इधर पूरे सब आ करते थे, हमने इस तालाब का देखा, उसके बाद में लोग बढ़ते गए पब्लिक जब बढ़े तो पब्लिक भी साथ देने लगा हमको, गाँव वाले भी साथ देने लगा, विद्याताई भी साथ देने लगा, जगदीश घाटा भी साथ देने लगा और फजले नेता लोग भी साथ देने लगा, ठीक है बहुत सुंदर है। इसमें धीरज मिश्रा ने वो बोला कि हम भी रहेंगे पार्टी में, नीरज मिश्रा बोला स्वागत है आपका।
आइए, वो बोले कि हम आ जाएंगे। आज चुपे चाप बेगर पूछे हमारे कमेटी से, बेगर पूछे आज हमारे परमिशन ली है नगर पालिका से, हमसे पूछना चाहिए ना। हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, हम बुजुर्ग आदमी, हमारा लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है, उनको कागज पत्र दे दो, संभालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं एकजुट होकर काम करना चाहिए, एकजुट काम करना चाहिए। सहयोग के बजाय उन्होंने ये बिना सहमति के नया संस्था बनाना, अगर बनाना था तो हमारे जूनियर कमेटी को कुछ सर्वसम्मत ये होते और उसको राजीनामा देते, चाहे नए को विचार करते, तो उस पर सब लोग का है। लेकिन इसमें क्या, सब लोग ने यहाँ पर संघर्ष 200 साल के संघर्ष है और संघर्ष आस्था के प्रति जुड़ा रहा है और जुड़ा होने के कारण आज उन लोगों ने अपना जो भी कर रहे हैं राजनीति से फायदा उठाने के लिए, ये अपने हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ, धार्मिक एक पवित्र त्यौहार है, माताओं बहनों का है, उनके सुविधाएं में हम लोग उतरते हैं और उन लोगों से यही चाहता हूं कि उनके बढ़िया सुविधा में कर करके उनके सहयोग करें, ना कि मंचबाजी, भाषणबाजी, नेतागिरी होना चाहिए। और मैं हमारे इसके लिए इसको हम अपील करता हूं विद्या दीदी से, ये महिलाओं का त्यौहार है, माता बहनों का त्यौहार है, आप इस क्षेत्र के नगर सेवका हैं, आपका एक अधिकार है, अच्छा अनुभव है इस चीज़, इनके सुविधा देने के लिए आप स्वयं आगे बढ़ के आए ताकि हमारी यहाँ के राजनीति का भेदभाव और राजनीतिक नेताओं के जिम्मे का जो बाकी करे वो दूर हो जाए। ज्या अर्थी महाराष्ट्र मध्ये रोज तुम्ही पाहत असाल की कुठे पक्ष चोरी केला जातोय, कुठे वडिलांचं नाव चोरी केलं जात आहे आणि कुठे या कार्यक्रमामध्ये कार्यक्रमच चोरी करायचा प्रयास चालू होता, तर विद्याताई गायकवाड यांनी इथे चांगली भूमिका घेऊन महानगरपालिकेला एक ताकीद देऊन की या लवकरात लवकर या गोष्टी होऊ नये, कारण या सगळ्या गोष्टी महिलांच्या भावनांशी, महिलांच्या श्रद्धेंशी जुडलेल्या आहेत, तर या गोष्टी कुठेतरी थांबल्या पाहिजेत अशी त्यांची विनंती होती। मी 25 कॅमेरामॅन अविनाश, नवी मुंबई, कलंबोली।